Hello friends, welcome back on my YouTube channel Cook with Aisha. In this video, I am going to share the recipe of delicious pani puri, bataashe or gol gappe. So let's start. This whole recipe takes 30 to 35 minutes for preparation, 20 minutes for preparation and 15 minutes for cooking. And we can serve it for 4 people. If you want to prepare a delicious pani puri, so before one day you have to soak the kala chana 1/4 cup for 7 to 8 hours, or you can also soak the white peas. White peas cooking recipe I will share at the last of the video. As per this recipe, boil chana and potatoes with salt and water in a pressure cooker for 3 to 4 whistles over medium flame or until cooked. Now let's talk about the ingredients of water of pani puri. 1/2 cup mint leaves, 1/2 cup coriander leaves chopped, 1 to 2 green chilies chopped or as per taste, 1/2 inch pieces of ginger, 1.5 medium sized lemon, 3 tablespoon sugar, 1 teaspoon chaat masala powder, 1/4 teaspoon black salt kala namak, 4 tablespoon bundi optional, salt to taste and 4 cups water. चलिए अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं. सो इंग्रेडिएंट्स फॉर मसाला, 1.5 कप्स बॉइल्ड पील्ड एंड मैश्ड पोटैटोज अप्रॉक्स 3 मीडियम, 1 to 2 कप्स बॉइल्ड काला चना, ब्लैक चिक पीस की जगह हम वाइट पीस भी ले सकते हैं और वाइट पीस बहुत ही डिलीशियस होते हैं. अगर आप वाइट पीस बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मैं लास्ट में आपको बता दूँगी. नाउ 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, ये ऑप्शनल है, एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट. लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो टू प्रिपेयर दिस डिलीशियस पानी पूरी. सबसे पहले हम कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया की पत्तियाँ और मिंट लीव्स यानी पुदीने की पत्तियों को अच्छी तरीके से धो लेंगे. और फिर उसको धुलने के बाद उसमें हम अदरक के टुकड़े, ज़ीरा पाउडर या खड़ा ज़ीरा और हरी मिर्च, ये एक साथ मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे. और ग्राइंड करने के बाद हम इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे. जब ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो हम इस पेस्ट को वाटर में अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं और उस वाटर में हम लेमन जूस और शुगर को भी ऐड कर देते हैं. उसमें हम काला नमक और सफ़ेद नमक भी मिक्स करते हैं. जैसा हमें टेस्ट चाहिए होता है उस टेस्ट के हिसाब से हम तेज़ या कम रख सकते हैं, मिर्च भी और नमक भी. पानी तो बनकर तैयार हो चुका है, चलिए अब हम बना लेते हैं मसाले. तो देखते हैं कि मसाले बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और कितनी कितनी क्वांटिटी में हम उसका यूज़ करते हैं. तो क्वांटिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो अब मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करते हुए चीज़ों को कैसे बनाते हैं. तो स्टेप 1, टेक मैश्ड पोटैटोज़, काला चना, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला पाउडर, कोरिएंडर लीव्स एंड सॉल्ट. एड ओनली इफ़ यू हैव नॉट एडेड वाइल बॉइलिंग द पोटैटोज एंड चना इन अ बोल. क्योंकि हमारे बहुत सारे यूज़र्स हिंदी स्पीकर्स हैं तो उनके लिए मैं आप बता दूँ कि हम क्या क्या चीज़ें लेने वाले हैं. हमें आलू लेना है और हमने जो काले चने या सफ़ेद मटर उबाल रखी थी उसे लेना है. फिर उसमें हमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती, नींबू, काला नमक और कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च अच्छे से आलू में मिक्स कर लेना है. तो ये हमारा स्टफिंग मसाला तैयार हो जाता है, जिसे हम फुल्की के अंदर स्टफ करते हैं और फिर पानी डालकर उसे हम खाते हैं. अब हमारा पानी पूरी का मसाला और पानी दोनों ही तैयार है, तो अब हम क्या करेंगे. तो अब हम जल्दी से गोलगप्पों को एक प्लेट में रखेंगे, उन्हें ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा क्रश करेंगे और जैसे ही वो थोड़े से ऊपर से टूट जाएं तो फिर उनके अंदर हम मसाले को फिल करेंगे, स्टफिंग करेंगे. उसके बाद जब ये मसाले मिक्स कर लेते हैं तो ऊपर से हम कटी हुई हरी धनिया, हरा मिर्च और प्याज भी डालते हैं. फिर उसमें हम अगर हमारे पास सेव है तो सेव डालते हैं और फिर पानी को डालकर खाना शुरू कर देते हैं. तो चलिए मज़े लेते हैं पानी पूरी के. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप